और आई लव यू फिर से बोल दीजिए मम्मी। आई लव यू। तो दोस्तों हमारी मम्मी को, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। प्रीति कुमारी में तो स्वागत करती हूँ दोस्तों, और स्वागत करती हूँ दोस्तों। सुबह का बज रहे हैं 9। अभी आप लोग को देखने में लगेगा नहीं कि 9 बज रहा है, और अभी हम दिखाते हैं। देखिए कितना ज्यादा कोहरा पड़ा है। कोई कोहेसा बोलता है, कोई कोहरा बोलता है। हमारे घर की तरफ इतना ज्यादा कोहरा पड़ गया है, कोई दिख कुछ दिख नहीं रहा है। अभी 9 बज रहा है, 9। आपके कैमरे में कुछ थोड़ा दिख रहा है। कैमरा मतलब वो लेंस ऐसा तेज है, थोड़ा से फाड़ के मतलब दिखा रहा, पर सामने देखने में जहाँ वो जो दिख रहा है सर से, वो भी नहीं दिख रहा सामने से। इतना ज्यादा कोहरा पड़ा है। मम्मी आग ताप रही हैं। अरे मम्मी की तबीयत खराब है। मम्मी हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ आपको? अरे देंगे पिरात, पेट वटवाई दर्द कर रही। दोस्तों मम्मी को ठंडी लग गया है, क्योंकि इस साल बहुत कम ओढ़ती थी, और हमको लगा जैसे ट्रांसफार्म देगा, पर नहीं। मम्मी साल बहुत ज्यादा कम ओढ़ती हैं, ऐसे रहती थी लाडो को लेकर, चाहे जहाँ चल जाती थी। उनको लग गया है ठंडी, पेट में दर्द है, ठंडी ज्यादा लग रहा है। देखिए आग सेक रही है मम्मी। हम सुबह सुबह उठे हैं, बर्तन धुले हैं, चाय पानी हो गया, अभी रोटी बन रहा है। और आज रोटी हमारे, और वीडियो आप लोग देखा करिए। हमारी मम्मी कह रही हाली हाली वीडियो देखिए, कि उसे उसका तबीयत खराब है। तो हमारे घर खाना बन रहा है, और अनुक हमेशा नहीं बर्तन मिलता है, अनु हमेशा हाथ में खाती है, कि उसका बर्तन उसका हाथ है। बर्तन की जरूरत नहीं है। हमारा तबीयत बहुत खराब है, इसलिए हम हाथ में खा रहे हैं। और दोस्तों इसके आँख में लग रहा कुछ, रेंग दिया, इसका आँख फूल गया है। यहाँ हमारी चंपा दीदी है, तो आप बोलना कुछ चाहेंगी? हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हमारा भी चैनल यस के चंपा निषाद, हमारे चैनल को लाइक करो, प्यार दिला दीजिए। ये जब भी आएंगी अपने चैनल प्रमोशन के लिए आएंगे, और नहीं बताएंगी मैं कैसी हूँ, कैसा हाल है। हम भी ठीक हैं, बहुत मस्त हैं। है और ठीक है, कितनी कैसी बोल रही है। क्या करें दोस्तों, तो दोस्तों ये बोलने में थोड़ा हिचकिचाती है। दोस्तों दीदी थाली ली है, अब इसको थाली में आटा सानेंगी। और मैं सोची थाली बन जाए, और दोस्तों मेरे घर बन रहा है झींगा, और झींगा को मैं भिगा दी हूँ, वो घर पे आ जाएगी। और मैं झींगा को भिगा, मेरे घर बन रहा है झींगा की सब्जी, और झींगा की सब्जी, झींगा की सब्जी। देखिए हम भी इतना क्या क्या बोलते हैं, झींगा की सब्जी बन रहा है। और अनु और सूरज जी सुबह ही उठ कर देख रहे हैं, इनका कोई सवेरा नहीं हुआ रहता है। क्या हो रहा है? मोबाइल चला रहे। तो गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, देख रहे हैं 10 बजने वाला है, पर इनका पलंग पे है। अरे तो उधर बाहर देखो ना कितना शीत है। हाँ चलिए ठीक है, रुक जाइए ना, हटिए ना। और बताइए अपने, और कुछ बोलो। क्या बोले? और कुछ नहीं बोले दोस्तों, हमेशा मुझे छेड़ते रहते हैं। अभी मूवी, और अभी हम चलते अपने थोड़ा लाडो से मिल लेते हैं, आप सबको दिखाते हैं लाडो हमारी कहाँ है। यहाँ देखिए मेरा भाई है, अभी सो रहा, फोन चला रहा है, 10 बजने वाला। पापा तो 10 बजे तक अभी सोए हैं, अभी कोई उनका सवेरा नहीं हुआ, वो भी सो रहे हैं। और देखिए इसमें यहाँ अन्न चटाई बिछा कर बिस्तर लगा के सोई थी, और यहाँ का बल्ब मैं जलाती हूँ। और हमारी जो लाडो हैं, ये सोने में मस्त हैं। देख रही हैं कैसे सो रही हैं, इनको पसीना हो चुका है थोड़ा थोड़ा। और हमारा ड्रंकर सब लोग खोल के इधर उधर कर दिए हैं। यहाँ हमारे भगवान जी हैं, शंकर भगवान जी, नमस्ते भगवान जी। इनका सुबह सुबह पैर रख लिया जाता है। और अभी घर की सफाई नहीं हुई है, क्योंकि सब लोग सोए थे। अभी किचन का और वहाँ का बाहर का सब हो गया सफाई। अभी ये खाना पानी बनने के बाद यहाँ साफ सुथरा होगा, तभी हम लोग हम सोचे थोड़ा सा आप लोग के लिए ब्लॉग बना लेते हैं। और दोस्तों मेरे तरफ बहुत ज्यादा कोहरा पड़ा, आप लोग को दिखाई भी कि कोहरा। और देखिए हमारे लाइटिंग भी पूरा रखा गया है। यहाँ हमारी मम्मी वहाँ बैठी है, पास करके दिखाते हैं वहाँ। देखिए कितना कोहरा दिख नहीं रहा, चारों तरफ कोहरा कोहरा है, कोहरा है दोस्तों। अब हम ही वीडियो और करेंगे एंड। और दोस्तों किसकी किसके तरफ कोहरा पड़ा कमेंट करके जरूर बताइएगा। शहरों में तो नहीं अभी ज्यादा ठंडी होगी, और यहाँ गांव में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रहा है दोस्तों, 2 दिन से बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और दोस्तों एक बात कहना है आप सबसे एक बात कहना है, हमारे बीच में 2 दिन बचा है, और 2023 आप लोग का क्या राय है? बहुत दुख हो रहा है, 2023 जा रहा है, और बहुत जैसे था ये साल अच्छा बीता, ऐसे गया अच्छा ही बीता, पर 2000
2023 जाने वाला, दो दिन और बचा है दोस्तों, 2024 आने वाला है। तो आप लोग क्या क्या तैयारी किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, बहुत लोग नया साल मनाएंगे, बहुत लोग नहीं मनाएंगे दोस्तों। हम लोग नहीं मनाएंगे नया साल। अनु दरवाजा के पीछे छुप रही है। तो आपका कहना क्या है, 2023 दो दिन बचा है, हम फिर वो आदमी खा रही है। तो आपका 2023 कैसा रहा? मेरा तो बहुत खराब रहा। देखिए दोस्तों, मेरा आँख सूज गया है। इनका 2023 अच्छा रहा, खराब भी रहा, जो भी था वो तो होता चढ़ता रहता है। पर दो दिन बचा है 2023, आपको कैसे क्या लग रहा है? दुख हो रहा है कि भाई ये साल तो बीत गया, नया साल आ रहा है, नया साल में कैसी जिंदगी बीतेगी, नया साल क्या क्या परीक्षा लेगा? अब वो आएगा तभी ना बताएगा क्या लेगा क्या नहीं लेगा। अभी आने वाला है तो दोस्तों आप लोग 2024 आएगा, एक साल वो भी रहेगा। आप लोग पार्टी दीजिएगा, मैं प्रीति आऊंगी। मतलब तुम जाओ, तुम पीछे, हम लोग आएंगे। ये मतलब पीछा नहीं छोड़ सकती, ये आएंगी जरूर। नहीं छोड़ेंगे, आएंगे, ये पार्टी में जाएंगी जरूर। कह रही है दोस्तों पार्टी दीजिएगा, तनु बोली है तो मुझे बुलाइएगा। तो पता नहीं कौन देगा, पब्लिक दे रही है पार्टी। तनु जाएंगी पार्टी करने? नहीं नहीं, रात में धमाका लोग करते हैं, पड़ाका वड़ाका फोड़ते हैं, नए साल का जश्न मनाते हैं। प्यार से बोल रही है सूरज जी, प्यार से सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं दोस्तों? आप सब भी मनाइएगा, हम लोग को इनवाइट करिएगा रात में। 2023 वाला है। अरे बता दो, हम लोग मस्ती कर रहे थे, जा रहे थे, जा रहे दोस्तों, हम लोग मस्ती कर रहे थे, लाडो उठ गए हैं, जाने दो, जा रहा था, जो आ रहा है उसको आने दो। दोस्तों जो जा रहा है उसको जाने दो, जो आ रहा है वो अच्छे से आए, अच्छा जिंदगी बिताए, नए साल में नए खुशियाँ लाए, हम यही चाहना है। बहुत लोग तो सोते नहीं है, बोले अब तो मजाक कर रहे थे, साल हो रहे हैं। तो दोस्तों, और जो 2023 चल रहा है वो भी जाने वाला है, तो हमारा पल तो कुछ अच्छा भी बीता है, कुछ खराब भी बीता है, और ज्यादातर तो दोस्तों मेरा खराब ही बीता है, अच्छा तो थोड़ा थोड़ा आया है समय। और 2024 आने तब मम्मी तो हर कैसे 2023 बीता लाल? हमारा 2023 मनो निका बीता लाल है। तो कहता आई लव यू 2023 ना, ये वाला आई लव यू बढ़िया है। तो दोस्तों मेरी मम्मी को आई लव यू बोलने नहीं आता है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आई लव यू फिर से बोल दीजिए मम्मी, आई लव यू। तो दोस्तों हमारी मम्मी को आई लव यू नहीं बोलने आता है, तो 2023 को आई लव यू बोल रही है। तो 2023 जा रहा है तो खुशी, दो दिन बचा है, रुक जाइए सूरज जी बात करिए, अभी बाद में फोन में बात करें सूरज जी, तो इसीलिए मैं बोली आप बाद में बात करिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को कैसा 2023 विषय कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, आई लव यू, हर हर महादेव दोस्तों।